नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि दाखिल खारिज कहां कराएं। दोस्तों ये कमेंट भी आया था और बहुत सारे कॉल्स भी आए थे जब मैंने एक वीडियो बनाया था कि दाखिल खारिज क्या है, और उसके बाद फिर एक वीडियो आया था आपको मेरा जो वीडियो अमानत नॉलेज चैनल पर, वो था कि दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन के लिए कैसे हम अप्लाई करें। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके देख लें। और फिर आगे अब हम बताने जा रहे हैं आज, वो आज का जो टॉपिक है कि हम दाखिल खारिज कहाँ कराएं। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम जानेंगे। जाने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानते हैं। तो दोस्तों ये जो है दाखिल खारिज म्यूटेशन, ये आपको मुख्यतः दो जगह जो है आप अप्लाई कर सकते हैं म्यूटेशन के लिए। ठीक है, और दो जगह के अलावे भी आप जो अदर जगह है वहां पर करा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है दो जगह पर आप अप्लाई कर सकते हैं और दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो है कि आप ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन मतलब जैसे कि जो मैंने रजिस्ट्री कराया जिस जमीन का, उस जमीन का रजिस्ट्री पेपर लेके और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेकर, ठीक है, और जब हम राजस्व कर्मचारी के पास जाते हैं तो वहाँ उनके पास आवेदन देना पड़ता है और उन पेपर को जमा करना होता है और उसका जो शुल्क होता है वो उन्हें देना होता है। तो इस तरह से हम ऑफलाइन भी म्यूटेशन उनके यहाँ राजस्व कर्मचारी के द्वारा करवा सकते हैं। तो ये तो है ऑफलाइन तरीका। और अगर हम ऑनलाइन कराएं, ठीक है, तो ऑनलाइन कराने का एक तरीका ये है कि आप अपने अंचल में जाके आप वहां से जो है, वहां पे एक काउंटर होता है अंचल में जो म्यूटेशन के लिए ही होता है, ठीक है, उस काउंटर पर जब आप जाएंगे तो वहां पर जमीन का जो है मतलब पेपर, तो हालांकि आप अभी तो ऑनलाइन का जमाना आ गया है तो पेपर तो ऑलरेडी जो है सो नेट पे चला रहता है वेबसाइट पे, तो है क्या है कि आपका जो रजिस्ट्री पेपर है वो ऑनलाइन ही सर्च कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या होता है कि म्यूटेशन जब हम दायर करते हैं, म्यूटेशन के लिए जब हम दायर करते हैं तो उसके लिए फॉर्म फिलअप करके देना पड़ता है और उसमें जो है केवाला जो मैंने कराया रजिस्ट्री जिस जमीन का कराया है उसका डिटेल्स फिलअप करना होता है और फिलअप करके फिर जो है उस काउंटर पर जमा करते हैं और वहां पर से सारी प्रक्रिया शुरू होती है। तो आप वहां से म्यूटेशन का कार्य करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर भी ऑनलाइन के प्रक्रिया में भी क्या होता है कि अंततः सारी प्रक्रिया के बाद अंततः आपको राजस्व कर्मचारी के पास ही जाना पड़ता है वर्तमान में वो हार्ड कॉपी जो है सो प्राप्त करने के लिए, यानी कि लगान रसीद का जो है मतलब पेपर प्राप्त करने के लिए राजस्व कर्मचारी के पास ही जाना पड़ता है। तो अभी जो है फुलफिल मतलब कहिए तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये ऑनलाइन म्यूटेशन जो है तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह नहीं होता है, तो कहीं कहीं होता भी है मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है और कहीं कहीं पूरी तैयारी के साथ नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि राजस्व कर्मचारी के पास जाना ही पड़ता है। तो उसके लिए क्या है दोस्तों कि हम जो करा रहे हैं अभी आपको एक ही सलाह देंगे कि आप ऑफलाइन कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन कराने से उसका वैलिड नहीं है, वो भी वैलिड होगा, ठीक है, लेकिन जब तक उसकी पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती है तब तक वो वैलिड नहीं होगा। तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से करा सकते हैं। तो ऑनलाइन जो है आप अपने राजस्व कर्मचारी के द्वारा करा सकते हैं और ऑफलाइन जो है आप अपने अंचल में जाके करा सकते हैं। और अन्य जगह पर भी कुछ ऐसे मतलब साइबर कैफे होता है जहां पर जो है ये मतलब म्यूटेशन का जो है काम होता है, तो वहां भी आप ऑनलाइन कराने के लिए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप या तो अंचल से कराएं या फिर राजस्व कर्मचारी के द्वारा ही कराएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।